नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज निफ्टी 57 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और निफ्टी बैंक 39 पॉइंट नेगेटिव क्लोज। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो दोनों फ्लैट क्लोजिंग, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग है, यानी कंटिन्यूअस जो हम लास्ट कपल ऑफ डेज से पॉजिटिव क्लोजिंग था, आज ये फर्स्ट टाइम नेगेटिव दिया। कल मैंने ये डिस्कस किया था कि फ्रेश पोजिशनल शुड बी अवॉइड बिकॉज टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन पॉसिबल है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आज जो जो कि इंट्राडे और इसमें दिखा हो, बट इंट्राडे कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिलता सो यस, उसको अपने को देखना है कि कैसे आप ग्रैप्स कर सकते हो। सो ये जो मेथड मैं डिस्कस करता हूँ हमेशा रेनको पे, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप इंट्राडे के प्राइस मूवमेंट कैसे कैप्चर कर सकते हो, सो वही फिर से मैं डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों का ये था कि कभी आप रेनको चार्ट दिखाते हो, कभी पीएनएफ, तो यस रेनको चार्ट जो जो पीए जो मैं दिखाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, वहां 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डी स्मार्ट लाइन प्लॉट किया है, जो कि फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि मल्टीपल आपका सिनारियो हो सकता है बाइंग और सेलिंग का। अगर आप स्टॉप एंड रिवर्स करते हो सो डी स्मार्ट लाइन के नीचे आप सेल करो और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर बाई करो, या वहां पे एक जो आपको दिख रहा है ये एरो लाइन, वो भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में भी देता है, प्लस पी जो पुल बैक जो है वो इंट्राडे अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आप एंट्री कर सकते हो। वहां अगर आप एंट्री करते हो तो विथ स्टॉप लॉस ऑफ यानी डी स्मार्ट लाइन बिलो डी स्मार्ट लाइन आप डाल सकते हो। तो अब आते हैं, फटाफट देखते हैं कि आज मार्केट मोमेंटम क्या रहा है। यस, गैप डाउन ओपन हुआ, वहां पे पी फॉर्म हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और लास्ट में जो है आपका डी स्मार्ट लाइन के नीचे आया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सो आज निफ्टी में कुछ नहीं मिला, ओवरऑल आपको लॉस हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये लॉस हुआ इंट्राडे के बाद। अब प्राइस जो है बिलो डी स्मार्ट लाइन है, अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे सस्टेन होता है, जो कि आपको दिख रहा है कि प्राइस 18,152 पे है और उसके नीचे ही अगर निफ्टी सस्टेन होता है, सो ये पॉसिबिलिटी है यहां से एक अगेन डाउनसाइड इंट्राडे में। बिकॉज अगर आप देखो सो ये 17,721 से डी स्मार्ट लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट 18,224 तक गया और आज ये फर्स्ट टाइम बेयरिश दिया। सो हो सकता है आफ्टर ट्रेंड एक व्हिपसॉ फेज ये हो सकता है आगे, पॉसिबिलिटी नॉट श्योर, बिकॉज आफ्टर ट्रेंड व्हिपसॉ आता है, आफ्टर व्हिपसॉ ट्रेंड आता है। सो ये एक अच्छा ट्रेंड था तो पॉसिबल कि व्हिपसॉ आए। अब यहां अगर हम देखें कि डी स्मार्ट लाइन के नीचे है और करेंट जो है अब बुलिश कब होगा 18,240 के ऊपर अगर ब्रेक अगर सस्टेन होता है, सो वहां से एक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज बेयरिश अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में कल आप देख सकते हैं। अगर ये स्टार के नीचे यानी कल के लो के नीचे 18,100 के नीचे अगर जाता है सो वो एक और अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां से फ्रेश आप इंट्राडे सेल या पोजिशनल अगर आप स्टॉप एंड रिवर्स अगर डी स्मार्ट लाइन पे करते हो तो वहां आप देख सकते हो। सो ये रहा आपका निफ्टी इंट्राडे का। अब निफ्टी अगर ईओटी का पीएनएफ पे देखे तो यस, पीएनएफ पे कॉलम रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है। सो जब तक कॉलम रिवर्सल नहीं होता है तब तक कोई भी कल जैसे डिस्कस किया था 120 पे वही है, नथिंग चेंज। बैंक निफ्टी इंट्राडे में बात करें सो गैप डाउन, उसके बाद पुल बैक और प्राइस ऊपर में क्लोजिंग दिया, सो इट इंडिकेट्स टुडे बैंक निफ्टी हैज आउट परफॉर्म अगेंस्ट निफ्टी 50। सो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर यहां से अगर आउट परफॉर्म कर रहा है सो या अगर एरो मार्क अगर होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। बेयरिस 42,960 के नीचे अगर जाता है, 42,960 लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है सो आप एक देख सकते हो बेयरिस अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज बुलिश अपॉर्चुनिटी देखो जब तक इस प्राइस के ऊपर आता है। ईओडी बेसिस पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बिकॉज 39 पॉइंट क्लोजिंग दिया माइनस में दिया है तो इवन कॉलम भी रिवर्स नहीं हुआ है, सो विल वेट फॉर द नेक्स्ट कंफर्मेशन। यस, डिस्पैरिटी जरूर आई है, सो प्राइस कंसोलिडेशन या टाइम कंसोलिडेशन पॉसिबल है।
दोस्तों कल जो मैंने डिस्कस किया था कुछ चार्ट्स जो एक था कोचिन शिपयार्ड। सो कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट 3.5% अगर हम बात करें, सो आई थिंक यस 3.11% पॉजिटिव क्लोज दिया है अगर हम कैंडल्स पे देखें तो। सो ये 540 के ऊपर और ये इसका हाई ऑलमोस्ट 557 यानी 17 रुपीज के करीब में इसका मूव आपके लेवल से आया था। राइट्स अबव 420 था, सो राइट्स आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। राइट्स एक्टिवेट नहीं हुआ बिकॉज 420 के ऊपर प्राइस नहीं गया। और सिंजिन भी हाफ परसेंट ऑलमोस्ट आई थिंक यस हाफ परसेंट 0.8% नेगेटिव क्लोजिंग दिया। So, ये रहा कल का जो डिस्कस किया वो स्टेटस। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो अब देखते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप मुझे दिख रहा है। फर्स्ट स्टॉक है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट अगर हम देखें चार्ट, ईओडी चार्ट सेटअप, एंकर कॉलम है कंजिक्यूटिव बुलिश फॉलो थ्रू, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू फॉर्म हुआ है। ये फोर कॉलम ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है। अब अगर इंट्राडे की बात करें तो बुलिश एबीसी यहां फॉर्म हुआ है। प्राइस अगर 5735 के ऊपर सस्टेन होता है इंडिया मार्ट तो ये एक बुलिश अपॉर्चुनिटी रहेगा। पैटर्न जो फेलियर है 5634 के नीचे अगर आता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। और अपर साइड जो दिख रहा है एक जो काउंट अगर ये बुलिश एबीसी तो 61,100 दिख रहा है। अब अगर हमको कंजर्वेटिव थोड़ा अगर टारगेट अगर लेना है सो यस आप दे सकते हो इधर 5928 का, ये 0.15 पे कंजर्वेटिव टारगेट है और 6100 ये एग्रेसिव थोड़ा टारगेट। तो यहां पे आप नजर रखो कल के लिए अगर 5735 के ऊपर सस्टेन होता है प्राइस तो। अनदर स्टॉक्स जो सीमेंस, अब ये इंडिया मार्ट क्यों, बिकॉज ये आउट परफॉर्मर था आज के लिए। सीमेंस भी अगर हम देखें तो 1% पॉजिटिव क्लोज दिया है। एंकर कॉलम है बुलिश एंकर कॉलम और बुलिश ब्रॉडनिंग भी है। सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम क्लियर ईओडी ट्रेंड अगर हम देखें तो क्लियर अप ट्रेंड। सो अप ट्रेंड अगर ईओडी में है तो इंट्राडे में अगर कोई भी पॉजिटिव यानी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है सो दैट विल वी कैन बाय और वी कैन टेक अ बुलिश अपॉर्चुनिटी। सो इंट्राडे में अगर हम बात करें तो ये एक काउंट जो है अपसाइड का दो काउंट एक्टिवेट है 3722 3704 का। अगर प्राइस 3545 यानी 3541 का 35 का क्लोजिंग दिया है सो 3545 के ऊपर सस्टेन होता है तो हाँ एक आप नजर रख सकते हो बुलिश अपॉर्चुनिटी का। प्राइस पैटर्न फेल हो जाएगा अगर 3413 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस पैटर्न फेल हो जाएगा। 0.15 में अगर हम देखें सो ये आप क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है वहां 0.25 पे, तो 0.15 विल बी सुटेबल फॉर द इंट्राडे बॉक्स साइज फॉर इन पीएनएफ चार्ट। अब अगर बुलिश एंकर कॉलम है सो ये एंकर कॉलम बना है और उसका कोई फॉलो थ्रू आता है। फॉलो थ्रू का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉलम ऑफ ए टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ आता है और नेक्स्ट जो डबल टॉप बाई आएगा तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी। और ये एक आपका जो अपसाइड काउंट है ये पॉसिबल 3615 जो क्लस्टर ऑफ काउंट है ये इस पे आप नजर रख सकते। अनदर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है यूबीएल। बेरिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ईओडी चार्ट पे बेरिस है, कॉलम ऑफ एक्स फॉर्म हुआ है और कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ है। अब ये क्यों, बिकॉज इंट्राडे में अगर हम बात करें 0.15 सो ये एक सप्लाई जोन है अगर आप देखोगे। So this is called a pattern retest. अगर pattern retest यहां form हुआ है और ये train continue अगर होता है, another thing 45 degree trend line अगर आप draw करोगे intraday में, so ये 45 degree trend line के नीचे भी हो रहा है।
सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी प्राइस इफ गोज बिलो 2142023 अगर सस्टेन होता है दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेश इंट्राडे सेल यानी शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हो 1389 और 1358 ये काउंट ओपन है. पैटर्न फेल कहां पे हो जाएगा? अगर प्राइस 1450 के ऊपर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा. सो दोस्तों ये रहा जो तीन स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किया और कल अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जस्ट ट्विटर पे मैं ट्वीट करूंगा कि ये बुलिश अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में दिख रहा है. सो आप फॉलो कर सकते हो, मेरा ट्विटर हैंडल है RAJRAN06 और आपको नीचे दिख जाएगा मेरा ट्विटर हैंडल भी. थैंक यू सो मच.